हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी अपने लिए एक रिज्यूम बनाना चाहते हैं और आप एक फ्रेशर हैं, यानी कि सिर्फ आपने पढ़ाई करी है, कहीं जॉब नहीं करी है, शायद आपने कोई भी काम नहीं सीखा है, कोई भी कंप्यूटर नहीं सीखा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक फ्रेशर के लिए, जो कि नए लोग हैं, यानी कि एक फ्रेशर रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो आइए जानते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो के टाइटल पे टच करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास लगभग ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना रिज्यूम दे रखा है, आपको इस रिज्यूम को डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे शायद आपको रिज्यूम शो ना कराए, प्रीव्यू ना दिखाए, वरना आपको ऊपर की तरफ एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा डायरेक्ट, तो डाउनलोड यहां से कर लीजिए। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो रिज्यूम है वो डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो सिंपल आप इसे यहां से ओपन कर लीजिए क्लिक करके, वरना आप अंदर डाउनलोड में जाके आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको पहले से ही एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर रखा है, तो आप इसको एमएस वर्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर आपको मिलेगा प्रोडक्ट व्यू, तो यहां पे आप अनेबल एडिटिंग पे क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करें और यहाँ पे आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। आपके पास कोई सा भी एमएस वर्ड हो, सेम टू सेम सब में काम करेगा, बस कलर का फर्क होता है। सबसे पहले आप ये चीज ऐसे ही रहने दीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सीवी। आप इसे नेट पे सर्च भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे डालिए अपना नाम, मेरा नाम हटा के अपना नाम डाल दीजिए। फिर बारी आती है एड्रेस की, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है। जानने के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ताकि कोई भी व्यक्ति कॉल करे तो आपको कॉल करे। ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी एडिट कर दीजिए, यानी डाल दीजिए, जो भी आपका मेल आईडी है। करियर ऑब्जेक्टिव आप ऐसे ही रहने दीजिए, अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, आप थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, तो लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बारी आती है, ये आपको ध्यान से डालना है। तो मैंने 10वीं 12वीं पास करी हुई है, साथ में बीए भी कर रखा है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। आपने जो भी कर रखा है आप इसे हटाकर अपने बारे में लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने सिर्फ 10वीं पास करी है, तो यहाँ पे आप एक एक करके सारा हटाइए। तो हम इसे हटाते हैं, तो हम लिखते हैं 10th पास From यूपी बोर्ड। तो हमने कर दिया है, ऐसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपने शायद कोई कोर्स कर रखा होगा, अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए अपने हिसाब से, जैसा आप चाहें। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप इस पूरे को डिलीट कर दीजिए। एक्सपीरियंस आपके पास कोई नहीं होगा, आपने कोई भी काम नहीं करा है, तो यहाँ पे आप इसको भी डिलीट कर दीजिए सिलेक्ट करके। पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे अपना फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। जेंडर चेक कर लीजिए, मेल फीमेल आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे लिखे मैरिड, वरना यहाँ पे सिंगल ही रहने दीजिए अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो। नेशनैलिटी में इंडियन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा अगर आप इंडिया में इसको यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज में अगर आप चाहें तो इसमें और भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, तो मैंने हिंदी इंग्लिश लिखा है। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं, आपको वो लैंग्वेज भी आती है, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन में आप ऐसे ही रहने दीजिए, और डेट वगैरह आप डाल सकते हैं अगर चाहें तो। फिर आपको इसे सेव एज करना है, तो फाइल पे जाइए ऊपर की तरफ, ये आपको एक आइकन बना हुआ दिखाई देगा, सेव एज पे क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करें, या आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा डायरेक्ट। डेस्कटॉप पे क्लिक करें, यहाँ पे डालिए अपना रिज्यूम का नाम। पहले हम रिज्यूम का नाम लिखते हैं, जैसे कि माय रिज्यूम, तो हमने कर दिया है। वर्ड डॉक्यूमेंट में आप आइए, अगर आप चाहें तो इसे हाथों हाथ पीडीएफ बना सकते हैं, पर हम इसे वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देंगे। सेव पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, आपको कंट्रोल प्लस पी प्रेस करना है। तो शायद आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ पे आप अपना रिज्यूम चेक कर लीजिए बना कि नहीं।
तो यहाँ पे हमारा रिज्यूम यहाँ पे बन चुका है, ये आ चुका है नीचे माय रिज्यूम। तो शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।